हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस बाय SEM चिल्ड्रन एकेडमी। वेलकम बैक विद द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन विच एंगल ए इज 60 डिग्री। इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी मीट DC एट P, प्रूव दैट एंगल ABB इक्वल 90 डिग्री, AD इक्वल DP एंड PB इक्वल PC इक्वल BC एंड थर्ड DC इक्वल 2 AD। ओके, दिस इज द फिगर ABCD, दिस इज अ पैरेललोग्राम, एंगल ए इज गिवन 60 डिग्री एंड AP इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड BP इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। सो लेट्स स्टार्ट टू प्रूव इट। Firstly, concentrate on that you have to prove APB is equal to 90 degree. This angle will be 90 degree. ये आपको प्रूव करना है। Then what will you do? Firstly, you will write that ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram and in which एंगल ए इक्वल 60 डिग्री। एंड यू नो बच्चों, एंगल ए विल इक्वल टू एंगल सी विच इज ऑल्सो 60 डिग्री, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। समझ आया? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ओके बच्चों, नाउ देखो, AP इज द बाइसेक्टर ऑफ, यू विल राइट AP इज द बाइसेक्टर of angle A, okay, and BP is the bisector of एंगल बी। देखो बच्चों, क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएगा, है ना, लेकिन सबसे पहली चीज़ है कि आपको प्रूफ करना कैसे है, कैसे आप प्रूफ कर सकते हैं, है ना, माइंड में क्या आना चाहिए आपके जब आप क्वेश्चन को प्रूफ कर रहे हैं। देन AP, आपको पता है AP इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, तो ऑब्वियसली बच्चों जब ये एंगल ए 60 डिग्री है ना, और ये बाइसेक्टर है, इसका मतलब क्या होगा कि PAB एंगल, ये एंगल कितना बचेगा, ये एंगल 30 डिग्री, ऑब्वियसली ये 30 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह PB इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, है ना, बट आपके पास एंगल बी नहीं है, देन यू हैव टू फाइंड द एंगल बी। एंगल बी आपको फाइंड करना पड़ेगा, एंड एंगल बी को फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ए एंगल इज 60 एंड एंगल बी इज इक्वल टू, ठीक है, एंगल बी विल इक्वल टू 180 माइनस 60, इट मीन्स एंगल बी इक्वल 120 डिग्री। अंडरस्टैंड? इतनी बात समझ आई आपको? नाउ आपने एंगल बी भी फाइंड कर लिया, एंगल सी भी और एंगल ए भी आपके पास है, है ना, देन यू विल राइट DC इज पैरेलल टू AB, है ना, तो आप ये एंगल्स फाइंड कर लेंगे। देखो बच्चों, दिस इज एंगल 30 डिग्री, है ना, और ये कितना है, PB बाइसेक्टर है किसका, इस बी एंगल का, वो कितना है, 120 डिग्री, है ना, ये कंप्लीट एंगल 120 डिग्री है ना, देन ये एंगल कितना होगा बच्चों, 60 डिग्री होगा ऑब्वियसली, और CB आपने फाइंड किया है कितना है, वो 60 डिग्री, ठीक है। देन एंगल 30 प्लस 60 और प्लस, मतलब आप इसके अंदर इन द ट्राइंगल ABC APB के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं एंगल APB इक्वल कितना, 90 डिग्री। ओके, लेट्स डू, हाँ, एंगल PAB इज हाफ ऑफ एंगल A, है ना, विच इज 60/2 इक्वल 30 डिग्री, राइट, एंड एंगल PBA इज हाफ ऑफ एंगल B, ओके, विच इज 60 डिग्री, राइट। ओके, नाउ इन ट्राइंगल APB बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, यू विल अप्लाई एंगल APB प्लस एंगल PAB एंड प्लस एंगल PBA विल इक्वल टू 180, ऑब्वियसली दिस इज PAB इज इक्वल टू 30 प्लस 60 इक्वल 180, एंड दिस इज एंगल APB विच वी हैव टू फाइंड, APB इक्वल एंड एंगल APB इज 90 डिग्री। फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव प्रूव्ड, है ना, APB इक्वल 90
डिग्री, ये फर्स्ट आपने प्रूफ कर दिया। ठीक, नाउ अब आपको प्रूफ करना है ए डी इक्वल वी पी, ए डी डी पी के इक्वल है। देन कैसे आप प्रूफ करेंगे ए डी डी पी के इक्वल है? लेट्स सी बच्चों, यू विल राइट फॉर सेकेंड क्वेश्चन डी सी इज पैरेलल टू ए बी, ओके, एंड पी ए इज ट्रांसवर्सल, है ना? देन एंगल डी पी ए इक्वल एंगल पी ए बी, एंगल पी ए बी विच इज 30 डिग्री, ओके, डी पी ए इक्वल एंगल पी ए बी विच इज 30 डिग्री, समझ आया? डी पी ए इक्वल एंगल पी ए बी विच इज 30 डिग्री, एंड एंड इन द डी सी पैरेलल है ए बी के, एंड नाउ पी बी इज ट्रांसवर्सल, सो वी गेट यस एंगल पी बी ए इज इक्वल टू एंगल सी पी बी, एंगल पी बी ए इज इक्वल टू एंगल सी पी बी विच इज इक्वल टू 60 डिग्री, राइट? नाउ यस, लेट्स सी, डी सी इज पैरेलल टू ए बी, है ना? पी ए इज ट्रांसवर्सल, सो स्टूडेंट्स एंगल डी पी ए इज इक्वल टू एंगल डी पी बी, ओके, एंगल डी पी ए इज इक्वल टू एंगल पी ए बी, ओके, एंड पी सी इन दिस सी पी बी इज इक्वल टू पी बी ए, एंगल सी पी बी इज इक्वल टू पी बी ए, दिस इज क्वेश्चन 2, ओके, सो लेट सी द एंगल डी पी ए इज इक्वल टू पी ए बी, है ना? फ्रॉम इक्वेशन 1 डी पी ए इक्वल पी ए बी। अब देखो बच्चों, जब ये एंगल इसके इक्वल है देन डी ए साइड विल ऑल्सो इक्वल टू डी पी, एंगल साइड अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर इक्वल, है ना? देन यू विल राइट डी पी इक्वल ए डी, साइड अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर इक्वल, राइट? साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ओके, एंड पी बी इक्वल पी सी इक्वल बी सी, ये भी तो प्रूव करना है। देन अच्छा, सेम यहीं पर चीज होगी, पी सी इक्वल बी सी, है ना? देन साइड अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर इक्वल, देन यू हैव प्रूव दैट फ्रॉम इक्वेशन 2 पी सी इक्वल बी सी, ठीक है? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ओके, एंड यू हैव फाइंड दिस एंगल, ये एंगल आपने फाइंड कर लिया ना, दिस एंगल इज 60, दिस इज 60 एंड दिस इज 60, एंड यू विल राइट एंगल पी सी बी इक्वल एंगल सी पी बी एंड इक्वल एंगल सी बी पी इक्वल 60 डिग्री, दिस इज एन यस, तीनों एंगल्स इक्वल है ना, इट मीन्स इक्विलेटरल ट्राइंगल, है ना? ओके, देन यू विल राइट पी सी इक्वल पी बी इक्वल बी सी, देन पी सी इक्वल पी बी इक्वल बी सी, सेकेंड थिंग यू हैव प्रूव्ड, ओके, नाउ मूव ऑन द थर्ड, यस, फॉर द थर्ड क्वेश्चन डी ए इक्वल सी बी, डी ए इक्वल सी बी, साइड्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है? पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स है ना डी ए और सी बी, है ना? एंड यू हैव प्रूव दैट सी बी इज इक्वल पी सी एंड डी ए इज इक्वल डी पी, ओके, देन यू विल राइट डी सी इक्वल, यस, डी सी इक्वल डी पी प्लस पी सी, ओके, एंड पी सी इज इक्वल टू बी डी, पी सी इक्वल बी सी, है ना? पी सी बी सी के इक्वल है, देन एंड एंड बी सी इक्वल टू ए डी, देन आई कैन राइट
ए डी एट द प्लेस ऑफ पी सी ओके एंड डी ए डी एंड एंड आई हैव ऑलरेडी प्रूव्ड दैट डी पी इज इक्वल टू ए डी है ना डी पी इज इक्वल टू ए डी देन आई एम गोइंग टू राइट ए डी एट द प्लेस ऑफ डी पी एंड पी सी अंडरस्टैंड ना यू विल राइट ए डी एट द प्लेस ऑफ डी पी एंड पी सी देन डी सी इक्वल ए डी प्लस ए डी एंड यू गेट डी सी इक्वल टू ए डी ओके दिस इज द थर्ड क्वेश्चन ओके एंड द क्वेश्चन यू अंडरस्टैंड है ना और द गिविंग क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक यू विल डू योर सेल्फ ओके स्टूडेंट्स थैंक यू हैव अ गुड डे